वीडियो ऑन है, कैमरा ऑन है। अस्सलाम वालेकुम वाला कादिन, हम पापा फोन आ चुके हैं और दादी भी आ चुकी है, वह सात सहेल भी आ चुका है। आपको खांसी लगी हुई है, इधर देखो मेरी तरफ। क्या हो? मैं भी चूस लूंगा। चूस ले। स्कूल में क्या किया आज मम्मा दी क्लास ने? मैंने पढ़ा था। पढ़ा था? हाँ। क्या पढ़ा? मैं नानी अभी मत खाओ, वीडियो पढ़ रही हूं। मैं तो पूछा भी की पढ़या से। मोहम्मद कैमरा ऑन हो गया है। क्या कर रहे हो? ये गाड़ी साफ हो रही है। ये क्या कर रहे हो? ये कहाँ से पंचर हुई है? पीछे से या आगे वाला टायर इसका पंचर हुआ? आपकी मैं वीडियो बना रही हूँ यूट्यूब पे, इधर आके बताओ गाइस को, बताओ क्या हुआ है। ये देख इखलास, आपकी वीडियो बन रही है। मैंने अपलोड कर देनी है ऐसी वीडियो तेरी। वो बोलेंगे चप्पल भी नहीं पहनी हुई मम्मा दी खलास ने, गंदे बच्चे ने। इधर आओ, आपकी वीडियो बन रही है, क्या बोलोगे? जी हम खा रहे हैं आज गन्ना, आप देख सकते हैं गैस नहीं थी, हम अब नीचे आए हैं, गैस आ चुकी है। तो सबसे पहले अंडे बॉयल कर रही हूँ मैं। मैंने कहा चलें जी चाय पीते हैं, साथ में अंडा खाते हैं, फिर खाने पीने की तैयारी करते हैं, क्योंकि गैस इतना ज़्यादा तंग कर रही है ना, हमें तो बहुत ज़्यादा तंग कर रही है। पता नहीं आप लोगों के पास गैस का क्या शेड्यूल है। तो मैंने कहा चलें आज काफ़ी दिनों के बाद हम अपनी रूटीन शेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ। उसके बाद मोहम्मद इखलास साहब आ गए स्कूल से और वो ज़िद कर रहे हैं कि मुझे पॉपकॉर्न खाने हैं। दूसरी तरफ, एक तरफ मैंने अंडे रखे हैं, दूसरी तरफ मैं पॉपकॉर्न बना रही हूँ मोहम्मद इखलास के लिए। मोहम्मद इखलास को पॉपकॉर्न बहुत पसंद है। साथ ही अल्ताफ़ साहब लेके आ गए हैं गोश्त, कह रहे हैं कि जल्दी से खाना तैयार करो। और इधर आलू बॉयल हो रहे हैं मोहम्मद इखलास के खाने के लिए। मोहम्मद इखलास स्कूल से आए तो फिर सही तंग करता है जी। हमारा गोश्त उबल चुका है, अब हम उसको तड़का लगाते हैं, क्योंकि 2 घंटे गैस है। तो मैंने कहा चलो गैस के होते होते हम तो हम खाना जो है ना वो जल्दी जल्दी तैयार कर लेते हैं, क्योंकि गैस 2:30 बजे फिर चली जाएगी। तो दोपहर का खाना जो है ना वो हम बना रहे थे, तो अचानक से चली गई गैस, खाना फिर रह गया। गैस की वजह से बड़ा मसला बना हुआ है। तो अब हम सिलेंडर भी साथ में रखते हैं। तो ये गैस के आने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारी हांडी दोबारा से शुरू हो चुकी है। अब मैं इसमें मसाले डाल रही हूँ। हम आपके साथ अपना व्लॉग्स शेयर करते हैं अपने किचन का, कि हम अपने किचन में क्या बनाते हैं, क्या खाते हैं, कैसे बनाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए। इसका कोई इतना मकसद नहीं है जितना लोग मुझे बातें सुनाते हैं। तो ये है जी आलू, हमने शामिल कर दिए आलू। दरअसल मेरी दोस्त गई हुई हैं अपने भाई की फौतगी पे, उनका ख़त्म शरीफ है आज, तो उनके बच्चे भी आज हमारे साथ ही खाना खाएंगे।
तो जी ये 2 किलो हमने गोश्त लिया था, उसमें मैंने सिर्फ चंद एक आलू डाले हैं क्योंकि शोरबे में अच्छे लगते हैं। और फाइनली हमारा सालन पक के हो चुका है तैयार। अब हम खाते हैं इसको मज़े मज़े से। तो ये है जी हमारा खाना। और ये बैठे हैं अल्ताफ हसैन, ये बैठे हैं इरफान, बड़े शरीफ बच्चे बन के बैठे हैं। चलें जी शुरू कर लें, बिस्मिल्लाह पढ़ लें, खाना शुरू करें आप लोग। अल्ताफ साहब को जब भी देखो मोबाइल 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 मोबाइल, बस 24 घंटे मोबाइल। तो जी अल्ताफ साहब खाना शुरू कर रहे हैं, मेरी अम्मी आई हुई हैं, तो आज मेरी मम्मा आई हुई हैं कुछ दिनों से, वो बीमार हैं काफ़ी। तो ये हैं जी यशफा, ये हैं मोहम्मद इखलास, आप लोगों के साथ बैठ के बड़े डिसेंट तरीके से खाना खाने लगे हैं। अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगे तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर एंड लाइक ज़रूर।